दोस्तों आईपीएल 2022 के 56वें मैच में मुंबई और कोलकाता की टीमें आमने सामने थी और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा रोमांच बताएंगे और इस मैच का टर्निंग पॉइंट भी बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आपको भी मुंबई और कोलकाता के बीच खेला गया ये रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों केकेआर के खिलाफ रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत काफी तेज हुई और पहले विकेट के लिए वेंकटेश अय्यर ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर 60 रनों की साझेदारी निभाई, लेकिन पावर प्ले खत्म होने से ठीक पहले छठे ओवर में अय्यर आउट हो गए। इसके बाद 11वें ओवर में रहाणे भी पवेलियन लौट गए। दोनों बल्लेबाजों को कुमार कार्तिकेय ने आउट किया। इसके बाद नीतीश राणा ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ टीम को 11 ओवर में 100 के पार पहुंचाया, लेकिन 14वें ओवर में श्रेयस अय्यर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं फिर जसप्रीत बुमराह ने 15वें ओवर में आंद्रे रसेल और नीतीश राणा का विकेट भी हासिल कर लिया। इसके बाद 18वें ओवर में तो जसप्रीत बुमराह का तूफानी आ गया। बुमराह ने इस ओवर में शेल्डन जैक्सन, पैट कमिंस और सुनील नारायण के विकेट लिए। ये ओवर ट्रिपल विकेट मैडन था और इस तरह बुमराह ने 5 विकेट लेकर पूरे मैच को पलट दिया। बुमराह ने अपने 4 ओवर के स्पैन में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट झटके। इस तरह पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 165 का स्कोर बनाया। दोस्तों इसके बाद 166 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत तो बेहद ही खराब रही। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित के खिलाफ कैच की जोरदार अपील हुई, जिसे अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। जिसके बाद केकेआर ने डीआरएस लिया, लेकिन अल्ट्रा एज में साफ पता नहीं चल पा रहा था कि गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है या नहीं। हालांकि थर्ड अंपायर ने रोहित को आउट देने का फैसला किया। रोहित इस फैसले से काफी ज्यादा निराश दिखे, उन्हें लगा ही नहीं था कि ये आउट है। वे 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद तिलक वर्मा और ईशान किशन ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर 5वें ओवर में मुंबई इंडियंस को दूसरा झटका लग गया। आंद्रे रसल ने तिलक वर्मा को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कराया। यहाँ से फिर ईशान किशन को रमनदीप सिंह का साथ मिला और दोनों ने काफी देर तक कोई विकेट नहीं गिरने दिया, लेकिन फिर 11वें ओवर में 69 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस को तीसरा झटका लगा। आंद्रे रसल ने रमनदीप सिंह को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट कराया। वे 16 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने आए टिम डेविड ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार 3 गेंदों में 3 चौके जड़कर केकेआर की टीम पर दबाव डाल दिया, लेकिन फिर यहाँ पर केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपनी चतुराई दिखाई। उन्हें पता था कि टिम डेविड स्पिन को अच्छे से नहीं खेलते हैं, इसलिए उन्होंने दोनों छोर से स्पिनर को लगा दिया और श्रेयस अय्यर का यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। 13वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने टीम डेविड को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराया। डेविड 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ईशान किशन ने आईपीएल करियर का 12वां अर्धशतक भी लगाया। उन्होंने 41 गेंद पर 50 पूरी की। सुनील नारायण के इसी ओवर में श्रेयस अय्यर से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने करन पोलार्ड का कैच लपका दिया। वहीं इसके बाद सेट बल्लेबाज ईशान किशन भी आउट हो गए और फिर यहां से मुंबई अपने विकेट गंवाते चला गया। इस मैच में केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन कप्तानी की और अपने गेंदबाजों को एकदम सही से रोटेट किया। 15 ओवर के बाद मुंबई के स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 103 रन था। आखिर के 5 ओवर में उन्हें जीत के लिए 65 रनों की जरूरत थी और पूरी जिम्मेदारी पोलार्ड की कंधों पर थी, जिनका कैच श्रेयस अय्यर ने टपका दिया था। वेल तो दोस्तों आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।